नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीपल आइडियाज़ में। दोस्तों आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एमएमएस कैसे सेंड कर सकते हैं अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी वीडियोस देखे यूट्यूब पर, तो उनमें किसी में भी सारी सॉल्यूशंस नहीं बताए गए थे लगभग। तो मैंने इस वीडियो में लगभग सारे सॉल्यूशन बताए हुए हैं एमएमएस कैसे सेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ऑलवेज रिसीव एमएमएस। इससे क्या होगा कि कोई भी एमएमएस आएगा तो आपको रिसीव तो ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको मोबाइल डेटा भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये था फर्स्ट। फिर देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। इसके लिए नेक्स्ट वाले के लिए भी, जो हम सेकंड देख रहे हैं उसके लिए भी आपको सेटिंग में जाना है। देन सिस्टम ऐप में, सिस्टम ऐप में जाने के बाद आपको करना क्या है, मैसेज है फ्रेंड्स एमएमएस मल्टीमीडिया सर्विस, तो इस पर आपको मैसेजिंग ऐप जो है इस पर क्लिक करना होगा। इसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम बता देते हैं फ्रेंड्स आपको करना क्या है। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पर देख सकते हो कि एमएमएस रीड रिसिप्ट। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी को सेंड करोगे या कोई पर्सन आपको सेंड करेगा तो उसको टिक, जो राइट टिक जैसे व्हाट्सअप में होता है वैसे ही सिंबल मिल जाएगा। देन जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम क्लिक करके, और आपको जो जिस सिम के थ्रू एमएमएस रिसीव करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर डाउनलोड एमएमएस कंटेंट ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिम सिलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर रोमिंग में रहेगा तो रोमिंग के लिए भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो और फ्रेंड्स, लेकिन इसका ध्यान रखना है आपको कि आपके मोबाइल में मेन बैलेंस होना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि अनलिमिटेड कॉलिंग जो आपने रिचार्ज करवाया हुआ है उसमें मैसेज का भी आता है, तो फ्रेंड्स उसमें एमएमएस का नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना आप। और पर एमएमएस 3 रुपये चार्ज होते हैं, इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स। देन वापस से आपको सेटिंग में जाना होगा। फ्रेंड्स मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि यही ट्रिक मेन है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको वापस से सिस्टम ऐप में जाना है। सिस्टम ऐप में जाने के बाद आपको फिर से मैसेज में जाना होगा। देन अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेटिंग में आपको जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सेंड एस एमएमएस, ये जो है इसे आपको ऑन करना होगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आप जब भी एमएमएस किसी को सेंड करोगे तो इजीली हो जाएगा, क्लियर। और फ्रेंड्स जो मैंने चार्जेस के बताया उसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। और एक और ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड्स मैं, उसमें क्या करना है आपको, सेटिंग में आने के बाद आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स पर जाना है। और यहाँ पर आपको जिस सिम के थ्रू एमएमएस सेंड करना है और जिस सिम पे आपको रिसीव करना है उस पर क्लिक करना है, जैसे कि हमने आइडिया पे किया। उसके बाद एपीएन सेटिंग या एक्सेस पॉइंट नेम पर आपको क्लिक करना है। और वहाँ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो शो हो रहा है एमएमएस के लिए जो एपीएन, न्यू एपीएन हमने क्रिएट किया हुआ, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कभी बाय चांस आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है नेटवर्क से रिलेटेड, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सोल्ड आउट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स ये हो गई। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नेम दे दीजिएगा, आइडिया एमएमएस, ये नेम तो आप कुछ भी दे सकते हो फ्रेंड्स, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एपीएन में एमएमएस सी, ये जो लिखा हुआ है एमएमएससी, ये आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एमएमएसएससी में जो आपको आईपी एड्रेस डालना वो यही डालना है, https://10.4.42.21:8002/, यही डालना है फ्रेंड्स। देन उसके बाद प्रोक्सी तो सेम आपको वही डालनी है जो आपने एसएमएस वाले में रख रखी है, 8080, और एमसीसी, ये तो सारी सेटिंग फ्रेंड्स सेम रहेगी, बस यही आईपी एड्रेस तक ही था डिफरेंट। और आपको यही ऐड करना है एपीएन सेटिंग में, अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी सारी कमेंट का तुरंत रिप्लाई देता हूँ, क्लियर। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो फ्रेंड्स आप मेल पे के थ्रू मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वैसे तो मेल की ज़रूरत पड़ती नहीं, जैसा कि हमने एक और वीडियो में बताया था आपको। अब देख लेते हैं हम एमएमएस कैसे सेंड करना है आपको। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, किसी भी पर्सन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज़ हम यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा फोटो वगैरह, और डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें 30 सेकेंड का ही होगा अगर आप लाइव करते हो तो। नहीं तो उसके लिए एमएमएस सेंड करने के लिए आपको एमएमएस पे क्लिक करके यहाँ से आपको सेंड करना होगा, जैसे कि वीडियो वगैरह जो भी हो वो इजीली हो जाएगा। लेकिन आपके मेन अकाउंट में 3 रुपये पर एमएमएस चार्जेस कटेंगे, इसलिए मेन अकाउंट में बैलेंस होना ज़रूरी रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही टेक्निकल वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं। और साइड में जो सब्सक्राइब के साइड में फ्रेंड्स एक बेल आइकन का साइन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।